हिंदू धर्म में किसी भी पूजा पाठ में नारियल का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो किसी भी पूजा या त्यौहार आने के पहले हम बाज़ार से नारियल खरीद कर लाते हैं ताकि हम पूजा में उसका इस्तेमाल कर सकें। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि कई व्यक्ति जब बाज़ार से नारियल खरीद कर लाते हैं तो उनका नारियल खराब निकलता है या सड़ा हुआ निकलता है। तो ऐसे लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं होने वाला है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर पूजा के लिए आपने जो नारियल लाया है वो पूजा के दौरान ख़राब निकल जाए तो इसका क्या मतलब होता है। यह है ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल। हिंदू धर्म में नारियल को शुभ माना जाता है और इसका इस्तेमाल कई पूजा और त्योहारों में किया जाता है। जब भी कोई व्यक्ति बाज़ार से नारियल खरीद कर लाता है तो ऊपर से तो दिखने में ये सही लगता है, लेकिन नारियल अंदर से अच्छा या ख़राब उसे पता नहीं चल पाता है और वह व्यक्ति वैसा नारियल अपने घर में खरीद कर ले आता है। और जब उस नारियल को पूजा के दौरान तोड़ा जाता है तो वह नारियल कभी ख़राब निकलता है तो कभी अच्छा निकल जाता है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि नारियल जब ख़राब निकलता है तो लोग उसे अशुभ मानते हैं और परेशान हो जाते हैं और ऐसा सोचते हैं कि भगवान हमें कोई अशुभ संकेत दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं है कि पूजा के दौरान ख़राब नारियल निकल जाए या सड़ा हुआ नारियल निकल जाए तो वो अशुभ है, बल्कि पूजा के दौरान ख़राब नारियल निकलना भी शुभ माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि पूजा के दौरान अगर आपका नारियल ख़राब निकल जाए तो आपके साथ कोई शुभ घटना घटने वाला है। तो जो व्यक्ति खराब नारियल को अशुभ संकेत से जोड़कर देखते हैं तो ऐसी घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसके अलावा जो दूसरा संकेत है वो यह है, ऐसा माना जाता है कि पूजा वाला नारियल अगर अंदर से सूखा निकल जाए तो जल्दी आपका कोई मनोकामना पूर्ण हो सकता है। पूजा के दौरान अगर खराब नारियल निकल जाए तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये शुभ संकेत है। तो आज मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दिया। यह ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल। अगर आप इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।